अस्सलामुअलैकुम, मुझे आज आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखानी है जिसे बने हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। ये एक नई बिल्डिंग है, 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो मैं अभी आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ। उस बिल्डिंग का रात का नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत होता है बनिस्बत दिन के। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको उधर लेके जा रहा हूँ। तो अभी थोड़ी शाम हो रही है तो वहाँ आपको दिखाते हैं वो। और इस पानी के किनारे ये देखें, इस तरफ ये रेस्टोरेंट। आप सोच सकते हैं आज वीकेंड भी नहीं है, आज बुध का दिन है और ये कितना बिजी है, कितने लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। बहुत बिजी रेस्टोरेंट है। पानी के साथ साथ चलने का वैसे अपना ही मज़ा है, तो मैं ये पानी के साथ साथ चल रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर शाम हो रही है, ये देखें आसमान की लाली, सूरज ग़ुरूब हो रहा है और अभी थोड़ी रोशनी है उसकी। तो जो इमारत मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा उसका दिन का भी व्यू हो जाएगा शाम का, और रात का व्यू तो उसकी क्या बात है, बहुत खूबसूरत होता है, वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करूंगा ताकि अंधेरा हो जाए और मैं आपको वो व्यू दिखा सकूँ। और ये इस तरफ देखें, ये भी एक ब्रिज है यहाँ पर, तो इसके नीचे से पानी गुजर रहा है, तो यहाँ से छोटे छोटे शिप उस तरफ जाते हैं। वो भी थोड़ा सा मैं उस तरफ जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये ब्रिज जो है, जब किसी शिप ने उस तरफ गुजरना होता है तो पूरा इसको पीछे को खींच लिया जाता है। ये सड़क जो है, ये हिस्सा है सड़क का, और यहाँ से ट्राम भी गुजर रही है, उसको पीछे को खींच लिया जाता है। जब शिप गुजर जाता है तो फिर वापस इसे उसी जगह पर मिला दिया जाता है। अभी मैं आपको वहाँ पास जाके भी दिखाता हूँ इसको। ये देखें, ये दो हिस्से हैं इसके, एक तरफ से गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं और दूसरी तरफ ट्राम गुजरती है। और ये एक ट्राम आई भी है, 24 नंबर। ये नई ट्राम है, अच्छी खूबसूरत ट्राम है, पुराने मॉडल की थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, ये अच्छी लगती है ज़्यादा। और ये देखें, इधर से गाड़ियाँ भी आ रही हैं। और अगर आप देखें तो दूसरी तरफ सारा पानी है और कुछ शिप्स वहाँ पे खड़े हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारे खड़े हैं। तो जब उन्होंने इधर आना है तो ये पुल पूरा पीछे को खींच लिया जाता है, और शिप वगैरह जब गुजर जाते हैं तो फिर इसे मिला दिया जाता है। ये देखें इसका सिस्टम इधर। ये बिल्कुल एक जैसे टैंक का चेन होता है उस तरह है। ये मैं उस पुल के ऊपर आ गया हूँ अभी एग्जैक्टली। और ये देखें, दिविला अंतवर्प, ये एक फेमस रेस्टोरेंट है और वीकेंड में ये डिस्को होता है। ये वो बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये देखें, ऊपर ले जाकर शिप के तौर पे, जैसे शिप की शक्ल होती है उस तरह इसे बनाया गया है। इसे हावन हाउस कहा जाता है, इसका नाम है हावन हाउस। हावन डच में कहते हैं, इंग्लिश में पोर्ट, तो आप इसे पोर्ट हाउस कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, इसका डिज़ाइन एक तुर्किश औरत ने बनाया है। यहाँ पर पानी के किनारे और इसके बिल्कुल पास बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह बनाई गई है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और ख़ूब इंजॉय कर सकते हैं। बड़ी अच्छी भीनी भीनी सी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने का। और एक दो लोग वहाँ पर बैठे हुए भी हैं, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर। तो अभी थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो आपको ये दिखाएँगे, इसमें सारी लाइटें जलेंगी तो आपको दिखाते हैं। ये देखें पोर्ट ऑफ एंटवर्प, ये सारी, थोड़ा सा आगे जाएं अगर तो सारी सी पोर्ट्स हैं आगे। सिर्फ इस पोर्ट, इस बिल्डिंग को थोड़ा क्रॉस कर जाएं आप दूसरी तरफ, आगे हैवी सी पोर्ट्स हैं। इस तरफ नहीं, इस तरफ छोटे शिप आ रहे हैं लेकिन उस तरफ हैवी सी पोर्ट्स हैं, बड़े शिप, कार्गो शिप सब गुजर रहे हैं उधर से। थोड़ा सा और पास आके इसका व्यू,
और ये इस तरफ पानी, और वो जो अभी शिप गुजर रहा था वो इस तरफ गया है। देखिए कैसे डिजाइन किया है इसको। अच्छा, जिस टर्किश औरत ने इसको डिजाइन किया है, ये इस जगह का नाम भी उसी के नाम पे रखा गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, ये देखे जाहा हदीद, जाहा हदीद प्लेन। तो इस जगह का नाम भी उस औरत के नाम पे रखा गया है। ये इस तरफ एंटवर्पन सिटी का व्यू है। और ये वो पानी जहाँ से अभी वो शिप गुजरा था, और वो इस तरफ से आया था। तो वो इस तरफ से कैसे आया होगा, ये देखें इस पर भी कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ये भी पुल खुलता है, ये पुल ऊपर को उठता है, इसे ऊपर को उठाया जाता है, और जब शिप गुजर जाता है तो फिर इसको नीचे रख दिया जाता है, तो सड़क की सड़क बन जाती है। ये पुल का पुल है, सड़क की सड़क है ये। तो यहाँ से अब गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं, और साथ में ये हवन हाउस, और ये पीछे विंड मिल चल रहे हैं। ये मैं इस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, ये देखें। ये यहाँ पर 5 झंडे लगे हुए हैं। पहला जो है वो पोर्ट ऑफ एंटवर्पन का है, दूसरा यूरोपीय यूनियन का है ब्लू कलर में, तीसरा बेल्जियम का है, और चौथा फ्लांद्रन का है, और ये 5वें के बारे में मैं नहीं जानता, ये 4 को मैं जानता हूँ। हेड पंप हाउस, ये एक रेस्टोरेंट है और पानी के बिल्कुल किनारे पे वाक़ है। जो सिटिंग एरिया है इसका वो पानी के साथ साथ है, तो ये एक महंगा रेस्टोरेंट है। अच्छे पैसे जेब में डाल के आएँ फिर यहाँ खाना खाएं। ये इस तरफ आर्किटेक्टर जाहा हदीद की डिज़ाइन की हुई खूबसूरत बिल्डिंग, और ये मैं थोड़ा डीप वाटर सी की तरफ आ गया हूँ। ये देखें वो मुर्गाबियाँ भी अंदर तैर रही हैं, ये बहुत गहरा पानी है, और ये एक्चुअली सी पोर्ट्स हैं। वो देखें थोड़ा अंधेरा हो गया है, लेकिन सामने देखें कितने बड़े बड़े कंटेनर पड़े हुए हैं। तो ये डीप सी वाटर है, ये पोर्ट है, और इसकी एक पोर्ट नहीं है, कई 100 पोर्ट हैं। ये आप सुनकर हैरान होंगे कि कई 100 पोर्ट हैं। इस तरफ से एक शिप आ रहा है, ये कार्गो शिप नहीं है, ये कार्गो शिप एरिया सारा ये इस तरफ है, यहाँ तक आते हैं कार्गो शिप, और बहुत दूर तक कई माइल तक ये सी पोर्ट चलती है। तो ये बहुत फेमस है एंटवर्प सी पोर्ट। बेल्जियम का जो बहुत बड़ी इनकम है वो इस सी पोर्ट से भी है। ये है जी इस बिल्डिंग का नाइट व्यू, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, कितना प्यारा व्यू है। मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी आपको दिखाता हूँ इसको। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था इस बिल्डिंग का राइट का व्यू लेने के लिए, तो अभी आपको दूसरी तरफ से ले जा के भी इसको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा फ्रंट से इसका व्यू है, देखें इसमें ये पूरी बिल्डिंग आ रही है, ये ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा इस एंगल से बहुत प्यारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अभी ट्राम में बैठ गया हूँ और सेंट्रल स्टेशन की तरफ वापस जा रहा हूँ। तो मेरे पास टिकट नहीं थी, और पैसे भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता ड्राइवर, तो उसने बताया है कि डायरेक्ट वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड जो बैंक का है उसको टच करो, पैसे पे हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया है। मैं इस वक्त ट्राम के बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ, और पूरी ट्राम का व्यू यहाँ से आपको दिखाता हूँ।